यहाँ पे अब बात थोड़ा सा अमेरिकी बाजारों की भी, क्योंकि अमेरिकी बाजार ने पिछली कैंडल को देखी, ठीक अंतिम कैंडल जो है वो जबरदस्त तरीके से एकदम कोई ब्रेकआउट का सिग्नल दे रही है क्या? पहला जो सिग्नल डाउजोन्स का है वो बॉटम ये पे। सीधा सीधा क्या जो डेट सेलिंग के मामले में जो निर्णय हुए हैं उनका उत्साह ही है ना? सीधा सीधा हाँ, वो और कुछ ज़्यादा ही उत्साहित हो गए हैं। हालांकि मुझे जो बात समझ में नहीं आई वो ये कि ये थोड़ा सा नाटक ज़्यादा चला गया, क्योंकि फाइनली हर बार होना यही अप्रूवल था, हुआ। हाँ, होना यही था। होना यही तब पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए, होना यही है। लेकिन इसके पीछे जो इतना नचाते हैं, इसका नुकसान इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को होता है। तो ये थोड़ा अगर वो लोग समझे तो अच्छी बात है। लेकिन हाँ, इसका एक बहुत क्लियर इंडिकेशन ये है कि डाउ जोन्स वापस 34,500 के तरफ तो जाना चाहिए, तो उसका पॉजिटिव रब ऑफ पड़ेगा हम पे भी, हमारे लिए भी। डाउ जोन्स का पॉजिटिव है, S&P 500 जो 43,4400 पुराना टारगेट है वो आ जाएगा। निफ्टी आईटी सॉरी जो नैसडैक था वो अपने टारगेट को जस्ट हिट कर रहा है, ऑलमोस्ट 33,300 to 500 का जो रेंज है। यहाँ के बाद फिर देखते हैं और क्या होता है। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में अभी एक कांटा आ गया है कि US मार्केट अगेंस्ट ऑल दी ऑड्स कहीं बहुत तेज ना हो जाए। बहुत तेज मतलब बहुत तेज। और ये कांटा इसलिए आ रहा है कि देखिए, लास्ट इशू था डेट सीलिंग का डिस्कशन होने का, वो भी हो गया। पूरा वर्ल्ड जानता है कि रिसेशन की बात चल रही है, लेकिन 0% किसी को कॉन्फिडेंस है कि रिसेशन कॉल आउट कर दे कि हाँ रिसेशन आएगा अमेरिका में। यूरोप में आ गया है, वो टेक्निकल है कि टैक्टिकल है कि लॉन्ग टर्म है, 1-2 क्वार्टर में और पता चलेगा। US का रिसेशन कहीं से भी कंज्यूमर पे इम्पैक्ट अभी तक नहीं दिख रहा है, और US की इकोनॉमी कंजम्पशन ड्रिवेन इकोनॉमी, तो उसमें रिसेशन आने के लिए क्या साइंस हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा। हो सकता है ओल्ड डेटा जो रीड कर रहे हैं इकोनॉमिस्ट उसमें कहीं ना कहीं चेंज करने की ज़रूरत है। और अगर गलती से US ने रिसेशन अवॉर्ड कर दिया, उनकी इकोनॉमी में ऐसी ही आग लगी हुई है, मार्केट बहुत तेज़ी से निकल जाएगा, लेकिन फिर वहाँ पे आके परेशानी शुरू होगी जो मैं डिस्कस करना चाहता था। आपने डेट सीलिंग बढ़ा दिया, मतलब ये क्या किया? मतलब आपने फिर से फेड को और हाथ में पैसे दे दिए। तुम हेल्थ केयर पे दो, तुम एम्प्लॉय केयर पे दो, सबको पैसा दो। पैसा अल्टीमेटली फिर कंजम्पशन में जाएगा, कंजम्पशन फिर से इन्फ्लेशन फ्यूल करेगा। तो क्या फेड अपने लिए कंप्लीट स्पाइरल क्रिएट कर रहा है? क्या US इकोनॉमी कंप्लीट इन्फ्लेशन स्पाइरल क्रिएट कर रही है? आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन डेट सीलिंग में जो पैसा रिलीज हो रहा है, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट मुझे फिर से इन्फ्लेशन पे लगता है। तो एक समय आपके लिए इन्फ्लेशन प्रॉब्लम थी जिसके कारण आपका मार्केट नीचे घुसे जा रहा था, आज डेट सीलिंग निकल जाने के बाद फिर से इन्फ्लेशन होने के चांसेस जा सकते हैं, लेकिन अब वो प्रॉब्लम नहीं है। ये आने वाले 2 क्वार्टर के बाद ही समझ में आएगा कि इन्फ्लेशन सही में पीक हो गया है क्या, 2 या 3 क्वार्टर US में। फिर उस हिसाब से यहाँ पर मतलब बाइफरकेट कैसे करें, जो आप एक बात कह रहे हैं कि कहीं तेज बहुत तेज ना हो जाए, और उससे पहले अभी जो ये ताज़ा ब्रेकआउट है इसकी चाल जहाँ तक बन सकती हो, इन दोनों के बीच में बाइफरकेट करने वाली लाइन क्या रहेगी? देखिए, मेरा मेथड काम कर रहा है, वही मेथड लगाइए। ये मार्केट ना ही कॉफी कैन पोर्टफोलियो का है और ना ही एक्सट्रीम ट्रेडिंग का है। ये मार्केट एक बैलेंस्ड डाइट लेने का है, मतलब आपके पोर्टफोलियो में स्ट्रेटेजिक पोजीशन भी होने चाहिए, आपका कोर पोर्टफोलियो होना चाहिए, और सैटेलाइट पोर्टफोलियो मतलब जो आपके थोड़े बहुत टैक्टिकल पोजीशन होने चाहिए, दोनों मिला के होना चाहिए। अब उसका मिक्स आपको 60-40 रखना है, 70-30 रखना है, 80-20 रखना है, ये ईच एंड एवरी पर्सन का अपना चॉइस है। लेकिन जब तक आप ये रोटेशनल ट्रेड नहीं करेंगे, आपका ROI ऑप्टिमाइज अब के मार्केट में नहीं हो पाएगा, ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस मार्केट से जीतने के लिए, जो कि एक लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन में रहता है और जिसका लाइफ साइकिल अपसाइड और डाउनसाइड का बहुत श्रिंक हो गया है, इसको विन करने के लिए आपको अपने पोर्टफोलियो बिल्डिंग का तरीका चेंज करना होगा।
वो पे ऑफ करेगा, बिकॉज देखिए जहां पे मोमेंटम जिस सेक्टर में आ रहा है, अगर मिड कैप और स्मॉल कैप में आ रहा है, तो अगर आपके स्ट्रेटेजिक पोजीशन में पहले से बना हुआ होता तो उसका अब आपको बेनिफिट मिलता। अब कोई वहां पे खरीदने जाएगा, बड़ा बेनिफिट नहीं मिलेगा, ट्रेडिंग बेनिफिट मिलेगा। इसलिए मैं फिर रिपीट करूंगा, जब मार्केट गिरता है आप अपना कोर पोर्टफोलियो तैयार कर लीजिए और उसमें कुछ ट्रेडिंग पोजिशंस को भी इंट्रोड्यूस कर दीजिए। जब मार्केट ऊपर जाए 70-80% जो भी आपका कोर पोर्टफोलियो है उसको राइड कीजिए, बिकॉज लॉन्ग टर्म अभी भी निफ्टी का टारगेट अचीव नहीं हुआ है। लेकिन जो आपका सैटेलाइट पोर्टफोलियो है, जो आपका ट्रेडिंग पोर्शन है, उस पर प्रॉफिट बुक करके उसको चर्न कीजिए, ओके, तब जाके पैसा बनेगा। प्रॉब्लम एक और इसमें बहुत चीज ध्यान रखिएगा, ये एंटाइस करता है ये मूवमेंट आपको कि क्या, इन एक एग्जांपल लेता हूँ, उसको मैं रिकमेंडेशन या कोई एक्शन मत समझिएगा, ये एंटाइस करता है कि क्या इंडियन होटल 300 रुपये का 400 रुपये हो गया तो 450-550 हो जाएगा क्या? देखिए टर्मिनल टारगेट जहाँ पे है वो तो हमको पता है हो जाएगा, लेकिन 400 पे आप घुसेंगे तो उसका 350 होने का पहले चांस रहेगा कि पहले 450 पर आपको डिसीजन लेना है। प्लस 400 से 450 रफली 11-12% का डिस्टेंस है, 400 से नीचे 350 भी 11-12% का डिस्टेंस है। आपका सिलेक्शन क्या है आफ्टर द मूवमेंट फ्रॉम 175 टिल 400 प्लस वैल्यूएशन अगला 3 साल का अर्निंग फैक्टर करता है? ये सारे डिसीजन लेके आपको फैसला लेना है कि आपका ट्रेडिंग पोर्शन में कितना प्रॉफिट आपको बुक करना है। तो इसलिए ब्लैंकेट फैसला नहीं लेना है, इन सबको एनालाइज करके लेना है। और ये दो मेथड मुझे काम कर रहा है और मैं वही चीज आपको बताता हूँ जो मुझे काम करता है, सिंपल रहता है, वो आपको भी काम करेगा, मेरा ऐसा मानना है जी। अब यहाँ पर आपकी आवाज नहीं आ रही है जी, जैसा हमें डाउ जोन्स में दिखा उसी तरह का कुछ हमें S&P 500 पे भी दिखा, लेकिन S&P 500 में आगे ये दिख रहा है कि 4300 के ऊपर 4330-4325 के आसपास एक पिछला टॉप बना हुआ है, तो इसको पार करके आगे बढ़ पाएगा या नहीं? अभी अप टिल 4400 इसका अपसाइड ओपन है S&P 500 का, जो कि बहुत पहले से हमारे डिस्कशन में आ रहा है कि वहां तक का आने का तो चांस है। 4400 के पास इसकी असेसमेंट करेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि वहां पे प्लस माइनस 10-20 पॉइंट स्टॉप होगा, करेक्शन पुल ऑफ होगा, फिर आगे बढ़ेगा। कारण दूसरा ये भी है, मोस्ट ऑफ दी गुड और लेट्स से बेस्ट थिंग्स आर नोन, अब हमको पता है, तो अभी यहाँ से और फ्रेश बहुत बड़ा अच्छा ट्रिगर क्या आएगा वो देखना है। जी तो S&P 500 यहाँ पर आप कह रहे हैं कि 4400 तक जाए, उसके बाद फिर वापस रिव्यू करना पड़ेगा, लेकिन हमारे लिए जो चीज़ ज़्यादा सीधे सीधे प्रभावित करने वाली कई बार साबित होती है वो है नैस्डैक, और नैस्डैक अपने पिछले टॉप को पार कर चुका है ऐसा दिख रहा है, थोड़ा तो ऊपर निकल गया उससे। अब इसका अगला टारगेट क्या लग रहा है, क्या ये चाल अभी और बढ़ेगी? 13,000 से 13,500 का जोन था नैस्डैक का वहाँ तक आने का, अब वो तो आ गया है, अब यहाँ पे कंसोलिडेट करना चाहिए, बिकॉज मुझे लग रहा है हीट बिल्ड हो रही है नैस्डैक में, तो देखते हैं। लेकिन मैं इस ओपिनियन कहूँ कि अभी हीट बिल्ड हो रहा है नैस्डैक में, और इन बिटवीन 13,000 to 13,500 जो कि 13,200-13,300 तक आ गई है नैस्डैक, कहीं पे थोड़ा उसको रेस्ट लेना पड़ेगा जी। तो क्या उसके हिसाब से हमारा आईटी क्षेत्र वो भी यहाँ पे ठहरेगा? बस वो भी 30,000-30,500 के रेंज में दिखा रहा है रेस्ट, तो दोनों कॉमेंसरेटी एकदम है देखते तो ये लगता है। तो अभी फिलहाल दोनों की चाल मेल खा रही है जी। चलिए तो ये रही अमेरिकी बाजारों की बात, और हम लोग अमेरिकी बाजारों पर थोड़ा ध्यान इसलिए देते हैं बार बार, हर हफ्ते हम लोग इसकी थोड़ी बात कर लेते हैं, क्योंकि उससे थोड़ा एक दशा का अंदाज़ा रहता है। बाकी हमारे निवेशकों को अमेरिकी बाजारों में कोई ट्रेडिंग तो करनी नहीं है, वहाँ कोई खरीद बिक्री करनी नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि उनके बाजार हमारे बाजार को प्रभावित करते हैं, इसलिए हमें उनकी चाल भी देखनी ज़रूरी लगती है। अब